कि नहीं, ये मलेरिया आरक्षण का जोर लगाए हुए हैं। पुलिस आके हड़दंगा कर भी करते हैं और डंटा बजाते हैं और घर में डुकते हैं। भाग जाएगा तो जनता मर जाएगा। हमारा नाम श्याम चौधरी हुआ। क्या करते हैं आप? हम तो पसीए के काम करते हैं, पासी के काम करते हैं। वो ऊपर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं सरकार। हम लोग का बेशिक्षा का आदमी है, हम लोग का कोई कारोबार नहीं है। वही काम करते हैं तो खाते हैं हम लोग और दो बाल बच्चा के लेके चलते हैं। वो ऊपर पुलिस आके हड़दंगा कर भी करते हैं और डंटा बजाते हैं और घर में डुकते हैं। हाँ, सब पासी लोग के और मार मार का डेंगाते हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उनकी सरकार में ये सब हो रहा है? नीतीश कुमार के सरकार ही में हो रहा है और सरकार में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अच्छे अच्छे से आप क्या करते हैं? हम तो बस यही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो उपचुनाव यहाँ हुआ है बौचा का, उपचुनाव की स्थिति क्या है? स्थिति सबका ठीक है। आपने किसको वोट दिया? हैं, हमने नाव का वोट दिया। तो क्या नाव जीतेगा? और नाव जीते और कोई जीते, है ना। हमको तो जब उससे आंदोलन हो गए हैं तो उसके बाद तो हम लोग उसका आरक्षण दिए हैं। अब उसका आरक्षण में अब आगे मुँह बढ़े तो और नीचा रह जाए तो, है ना। नहीं तो मुकेश जी तो आरक्षण मांग रहे हैं निरंतर आप लोगों के लिए। अगर आरक्षण मिलता है तो आपको पता है क्या लाभ होगा? अब क्या, हम लोग का तो कोई पता नहीं है। आरक्षण नहीं पता? नहीं पता है हम लोग का। क्यों नहीं पता? आप जानते हैं आरक्षण के बारे में? हाँ, जानते हैं। क्या लाभ होगा अगर आरक्षण बढ़ता है? आरक्षण पिछड़े के अनुसूचित जाति सबको बेनिफिट मिलेगा और पिछड़ा वर्ग को भी बेनिफिट मिलेगा। सब क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट है जैसे कि आप घर मिलेगा, नौकरी उकरी में भी आप मान लीजिए कि बेनिफिट मिलेगा, नौकरी होगा उसमें भी बेनिफिट मिलवे करेगा। तो यानी जरूरी है समाज के लिए ना? हाँ, आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण तो अभी देखिए, आरक्षण जो है पिछड़ा बहुत सा है, जो एससी एसटी में बहुत सा पिछड़ा है, समझे कि नहीं, बहुत पिछड़ा। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न चौधरी। आप क्या करते हैं? हम LIC के एजेंट हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? BA पास है। तो देखिए, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है समाज के लिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जानकारियाँ नहीं होंगी। अच्छा, ये बताइए कि अन्य नेता जो है आरक्षण की मांग क्यों नहीं करते हैं? अन्य नेता आरक्षण के नहीं मांग करते हैं, जो ऊंचे लोग हैं सोचते हैं कि मान लीजिए कि जो पिछड़ा जो है, समझे कि नहीं, वो हमके समकक्ष हो जाएगा। ये हमके मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए हम जिस कुर्सी पर हैं, हम मान लीजिए कि वही हमारे कुर्सी दावेदार हो जाएगा। इसी चलते वो मान लीजिए ऊंच लोग के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण हो। जैसे आप देखिए, हम ही लोग का आरक्षण के लिए लालू प्रसाद थे, अभी मुकेश सहनी आया है, समझे कि नहीं, ये मान लीजिए आरक्षण का जोर लगाए हुए हैं। तो मतलब सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, आरक्षण होना एकदम सही है। कि जो भी गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो भाजपा, आप इतिहास उठाइए, कोई मुकेश सहनी पहले व्यक्ति नहीं है कि उनको मंत्री ले लिया या उनका विधायक तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया। बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, तो भाजपा ऐसा क्यों करती है? नहीं चाहती है कि गरीबों का आरक्षण? कुछ भाजपा है पूंजीपति लोग का वर्ग है, जैसे लोग का कहना है, उन लोग का पूंजीपति नीचे बेरोजगारी दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रहा है हर जगह कहीं नहीं। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई भी बहुत चरम सीमा पर है एकदम, देख रहे, हर चीज़ मान ली कि हर चीज़ का रेट भागिए रहा है एकदम, समझे कि नहीं, कोई चीज़ नहीं मान ली कि रेट कमी है, सब चीज़ का तो रेट भागिए रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में आप तो LIC के एजेंट हैं, क्या मतलब स्वयं की जो सुरक्षा है या अपने पैसे को कैसे हम सेव करें, वो सब चीज़ें हैं, तो LIC को लेकर के भी लोग क्या मतलब थोड़ा जागरूक हैं? हाँ, LIC के प्रति बहुत जागरूक है। LIC के प्रति वगैरह लेना चाहिए। LIC के प्रति विश्वास है कि सरकारी संस्था है या कंपनी भागेगी नहीं, समझे कि नहीं, इसलिए अभी वो लोग मान ले कि उस कंपनी में पैसा डालने में लोग अभी हिचकिचाते नहीं है, एकदम आँख मूंद के पैसा डालते हैं। अच्छा, आप अपने अनुसार ये बताइए कि जो अभी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है बहुत, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, है ना, बिजली विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो इसका क्या असर पड़ेगा जनता पे? इसका असर तो जनता पर देखिए, अभी सरकारी जब जैसे कर्मचारी लोग सब जो है, अब मान लीजिए कि 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया उठाते हैं और काम ठीक ढंग से नहीं होता है, लेकिन प्राइवेटीकरण होगा तो इसी 1.5 लाख में 4 गो आदमी खटेगा, रोज मैंने बेरोजगारी घटेगा और मान लीजिए किसी का दाल रोटी भी चलेगा। अब एक ही आदमी है कि 1.5 लाख उठा रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन तो नहीं, उसके प्राइवेटीकरण भी होना जरूरी है। उसके लिए ये होना चाहिए ना कि जो
1.5 लाख रुपए उठा रहा है उसको आप उसको एक साइड में रख दीजिए अभी थोड़ा। उसमें आप ये समझिए कि भारत सरकार जो है वो टाइट हो और अधिकारियों से काम कराए। भ्रष्टाचार तो ऊपर के जो नेता करते हैं तभी, नहीं तो अधिकारी की क्या हिम्मत। ऊपर लोग भी तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नौकरियां खत्म हो, प्राइवेट हो जाए सब। 5,000 रुपए जो 1.5 लाख कमा रहा है उसको फिर 5,000 मिलना चाहिए। हाँ, उसको भी ऐसा ही मिलना चाहिए। हाँ, गरीब गुम्मा ले लेंगे। हाँ, तो फिर आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे आप? आरक्षण तो सरकारी डिपार्टमेंट में लागू होगा ना, प्राइवेट में तो होगा नहीं। हाँ, प्राइवेट में होगा। फिर आरक्षण का क्या करेंगे? आरक्षण तो रहना ही चाहिए, प्राइवेटों वाला भी तो आरक्षण देता ही है, उसमें भी तो लोग देखता है कि भाई कौन, उसमें भी लोग देता है, प्राइवेट वाला भी तो दे ही रहा है। ऑल टू ऑल थोड़ी मान ली कि सर मान ली जहाँ जहाँ सरकार के चार्ज से हो रहा है। अच्छा, आप बताइए प्राइवेटाइजेशन का क्या असर पड़ेगा जनता पे? प्राइवेट जनता को असर पड़ेगा कि प्राइवेट भाग जाएगा तो जनता मर जाएगा, जनता का कुछ। प्राइवेट में आपको नौकरी देगा? प्राइवेट में पूंजीपति आपको नौकरी देगा? पूंजीपति वाले अभी आपको सरकारी में नौकरी नहीं मिल रहा है तो पूंजीपति आपको नौकरी देगा? पूंजीपति ही तो खरीद रहा है ना।